स्वागत है आपका माई किचन रेसिपीज में। आज मैं आप लोग के साथ एक स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी जो चॉकलेट और कोकोनट से बनाई है। काफ़ी आसानी से बन जाएगी और टेस्टी रहती है। इसके लिए मैंने एक कप कोकोनट पाउडर लिया है, ड्राई कोकोनट पाउडर। दो चम्मच मलाई ले रही हूँ ये, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी ले सकते हैं। इसके साथ ही 1/4 कप कंडेंस मिल्क या मिठाई मेड, वो भी लेना है। क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो आप दोनों क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। अब हमें थोड़ा हाथों से इसे मिला लेना है अच्छे से। ये थोड़ा सा गीला लग रहा है तो इसमें मैं 1 से 2 चम्मच इसमें कोकोनट और मिला रही हूँ, कोकोनट पाउडर। फिर से इसे मिला लें। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने घी लिया है और ये एक प्लेट लिया है, प्लेट पे थोड़ा सा घी हम लगा देते हैं कुछ इस तरह से। और ये शेप कटर है, इस पे रख करके और इसे हम शेप दे देते हैं। अगर आपके पास शेप कटर नहीं है तो आप नॉर्मल इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ बना लिया। इसे थोड़ा अच्छे से हमें निकालना होगा, टूट ना जाए, मुलायम है ये। आराम से धीरे धीरे, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं दूसरा शेप ले रही हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है शेप, तो इसमें थोड़ा सा हम घी इसमें लगा देते हैं। उसे क्या होगा कि आसानी से निकल जाएगा। आराम आराम से इसे बनाना है और आराम से इसे निकालना भी है। ये देखिए कुछ इस तरह से आप बना ले, नॉर्मल शेप भी बना सकते हैं। इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। और ये मैंने 150 ग्राम्स चॉकलेट लिया, डार्क चॉकलेट, कोई भी चॉकलेट आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। हम इसे मेल्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, गर्म पानी के ऊपर इसको रख करके इस तरह से इसको मेल्ट कर लेंगे। और ये जो हमारा शेप है जो आधे घंटे हमने फ्रिज में रखा था, इसको हम कोट कर लेंगे चॉकलेट से। अच्छे तरीके से कोट करना है आपको और आराम से कोट करना है ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसको हम एक बटर पेपर पे रख देते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से भी हो जाएगा, इसे आसानी से हो जाता है। बाकी भी आप इसी तरह से कर लें। बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है, बच्चों को भी पसंद आएगी, हेल्दी भी है। चॉकलेट ऊपर में है और अंदर नारियल है। ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं कोकोनट पाउडर, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको 3-4 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद ये रेडी हो जाता है खाने के लिए। ये देखिए कटा हुआ भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा टेस्टी यम्मी डिलीशियस स्वीट्स है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर कोई बर्थडे पार्टी है या कोई मेहमान आए तो इस तरह से ये बना के खिलाएं, एकदम सरप्राइजिंग होगा उनके लिए और बहुत टेस्टी भी रहेगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बताएं कैसी बनी है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।